सो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखेंगे डिफरेंशिएशन का, उसके बाद उसका हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तीन डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जब हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। सबसे पहला केस डिफरेंशिएशन कब अप्लाई करते हैं, जब दो क्वांटिटीज हो और दोनों चेंज हो रही हो, मतलब दो वेरिएबल क्वांटिटीज अगर हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन कब था बेटा, जब कोई ग्राफ का एनालिसिस करना हो या ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तीसरा क्या था, जब हम कोई एक काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसमें एक छोटा सा पार्ट लेते हैं और उस छोटे से पार्ट के बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। अब एक और इसका यूज होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके बारे में जरा समझिएगा। देखो कोई भी फंक्शन अगर हमने बनाया, मान लो ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, हम लोगों ने एक जनरल कोई सा भी ऐसा मान लो फंक्शन बना दिया लाइक दिस। अब इस फंक्शन में देखो यहां पर बेटा मैक्सिमम वैल्यू है, इसके करिस्पॉन्डिंग एक्स की कोई वैल्यू होगी एक्स वन, और यहां पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई, इसके करिस्पॉन्डिंग एक्स की एक वैल्यू है एक्स टू हमारे पास। इज इट क्लियर? अगर इस फंक्शन की एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू है और फंक्शन का इक्वेशन मान लो हमको बोला गया कि फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स समझते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये जो वाई है वो एक्स से मिलकर बना हुआ है, तो वाई कैन बी लाइक एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन, वाई कैन बी साइन एक्स, वाई कैन बी कॉस एक्स, वाई कैन बी साइन टू एक्स प्लस थ्री, कोई भी ऐसा फंक्शन जो एक्स से केवल मिलकर के बना होगा ऐसा फंक्शन है ये। क्लियर? और हमसे ये कहा गया कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको बताओ। तो उसका कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि हम लोगों को इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो के बराबर करना चाहिए। अब इसके बारे में जरा समझो, डिफरेंशिएशन का लेना देना बोलो ग्राफ के स्लोप से होता है, सही है? अगर मैं आपसे पूछूं यहां वाले इस वाले पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया तो क्या ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्या ये हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा? यस। अगर मैक्सिमा है या मिनिमा है तो ये टेंजेंट बोलो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा। आप सोच लो कोई भी ग्राफ सोच लो, कैसा भी सोच लो, अगर मैक्सिमम है वैल्यू तो ऑब्वियस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो क्या उसका स्लोप जीरो है बेटा? कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। तो इसका स्लोप यहां पर कितना हो गया? इट्स स्लोप इज इक्वल टू जीरो। स्लोप समझते हैं? स्लोप किसी भी लाइन में या किसी भी ग्राफ में, अगर ये x एक्सिस y एक्सिस, ये मान लो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक, इस स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन बेटा आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ी होगी, y बराबर mx plus c, जिसमें c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं c, और m जो है वो इस ग्राफ का क्या है, इस लाइन का स्लोप है। स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है। तो ये रही x एक्सिस, ये है y एक्सिस, बोलो x एक्सिस से कितना झुकाव है? थीटा। x एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। तो स्लोप यही थीटा रिप्रेजेंट करता है, किसी भी लाइन का x एक्सिस से जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है, दैट रिप्रेजेंट्स स्लोप। स्लोप को m से रिप्रेजेंट हमने किया है, स्लोप का मतलब होता है बेटा tan थीटा। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा। तो जरा चेक करो, अगर वो लाइन ऐसी है तो क्या थीटा जीरो है? अगर लाइन ऐसी है तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? जीरो। और टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? इसलिए स्लोप कितना है इसका? इसका भी स्लोप कितना है? क्या ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? सही है। और स्लोप किसी भी फंक्शन के लिए, बोलो स्लोप का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, पिछली क्लास में हमने बताया था। अगर हमें ग्राफ में स्लोप निकालना है तो फिर हम क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन, यानी कि डी वाई बाई x। तो अगर y बराबर fx था तो ये जो मैंने लिखा है ये यही है dy by dx, तो dy by dx की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। ये है सबसे पहला डेरिवेटिव, फर्स्ट डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, पक्की बात है? कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो x की कुछ वैल्यूज आएंगे, देयर विल बी सर्टेन वैल्यूज ऑफ x, कुछ x1 x2 x3 ऐसे करके x की कुछ वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये क्या बन गया है, ये एक इक्वेशन बन गई बेटा, ये क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। तो इसको जैसे ही आप जीरो बराबर करोगे, सॉल्व करोगे, x की कुछ वैल्यूज आएंगी, लेट अस सपोज x की पहली वैल्यू है x1, दूसरी है x2, इन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। क्या कहते हैं? दीज वैल्यूज आर नोन एज क्रिटिकल वैल्यूज। क्लियर है? अगर ये स्लोप dy/dx जीरो ना होता, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव होता, तो उसका क्या मतलब था?
अगर ये स्लोप जीरो है इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर जीरो ना होकर पॉजिटिव होता तो क्या वो ऐसा होता? भाई अभी एंगल थीटा की कुछ वैल्यू होगी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कुछ होगा, बोलो सही है? तो उसके करिस्पॉन्डिंग टेन थीटा की भी कोई वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो लाइन ऐसी होती है, मतलब इंक्रीजिंग लाइन, बताओ भाई। और अगर स्लोप निगेटिव होता तो यही लाइन ऐसी हो जाती, डिक्रीजिंग लाइन। क्या ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो किसी भी फंक्शन में अगर आपसे हम बोल रहे हैं, मान लो कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा है? पॉजिटिव है। आपसे हम बोले डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा है? नेगेटिव है। आपसे बोले मैक्सिमम है तो जब इंक्रीजिंग होता है तो ऐसे चढ़ता है, डिक्रीजिंग होता है तो उतरता है, और अगर मैक्सिमम है तो फिर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि स्लोप कितना? जीरो। तो सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हमने क्या किया, अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की या मिनिमम वैल्यू है तो वहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। उसको सॉल्व करके कुछ क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब ये होता है कि दीज वैल्यू मे बी मैक्सिमा पॉइंट और दे मे बी मिनिमा पॉइंट, मतलब ये एक्स की वो वैल्यू हो सकती है जिस पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, दोनों हो सकता है। सो इट मे बी मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसीलिए नाम हमने क्या रखा है? क्रिटिकल वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट। पहली चीज समझ में आई। अब मैथ्स के हिसाब से, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं समझ लो, अभी मैं आपको फंडामेंटल मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो मैथ्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको ये तो पता चल गया कि सर एक्स वन और एक्स टू दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर फंक्शन या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, लेकिन सर हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि मैक्सिमम ही है या मिनिमम ही है, हमको ये नहीं पता। हमको बस ये पता चल गया है कि इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पर मैक्सिमम है और किसी दूसरे पर मिनिमम है। तो एग्जैक्टली कैसे मिलेगा? उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। उसके लिए क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब है कि आप इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डू बार डिफरेंशिएशन। तो उसको हम लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स, या फिर उसको हम लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बोलो एक बार डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था? डी वाई बाई डी एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसको लिखा जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसको क्या लिखा जाता है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसका मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन। तीन बार डिफरेंशिएट अगर कभी करोगे तो क्या लिखोगे? डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री। इसको स्क्वायर नहीं पढ़ते, इसको डी टू मतलब टू पढ़ते हैं इसको, इट इज नॉट स्क्वायर, इट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, सिंपल। देखो अभी चीजें टफ लग रही होंगी क्योंकि मैथ्स के हिसाब से बताना है, अभी जैसे ही इसको एग्जांपल में लाएंगे अपने आप इजी हो जाएगा, इसलिए पहले अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और समझ में ना आए, बस समझने की कोशिश करिएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी मैथ्स वाली चल रही है इसलिए कठिन लग रहा होगा देखने में। यहां पर बेटा हमने दो बार डिफरेंशिएट किया है, क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इसमें रखेंगे उठाकर, भाई इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट रखने पर अगर ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए, अगर ये मान लो हमने x1 रखा, x1 रखने पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन का क्या है? मिनिमा है, उल्टा होता है। और अगर ये डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ जाए तो वहां पर फंक्शन का क्या है? मैक्सिमा है। ये आखिरी की लाइन समझ लो, आपके लिए अभी फिलहाल याद करने वाली लाइन है, फिजिक्स में इसका यूज कभी नहीं होना है, तो मैं एक बार पूरी चीज को फिर से समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी हमसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे? मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम, अगर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर, सिंपल, ठीक। जीरो के बराबर करने से हमको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, दो या तीन पॉइंट्स मिलेंगे, उन दो या तीन पॉइंट्स का नाम क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्यों क्रिटिकल बोल रहे हैं? क्योंकि इस पर फंक्शन मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन हमको कंफर्म अभी पता नहीं है। तो वो कंफर्म कैसे होगा? उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट हमने किया था, डीवाई बाई डीएक्स आया था, उसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे ही आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो हमें डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। उस डबल डेरिवेटिव में हम x1 और एक बार x2 पॉइंट्स डाल देंगे, एक बार x1 रख देंगे और एक बार x2 रख देंगे। अगर x1 वैल्यू डालने पर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आ गया तो मतलब वो x1 पर फंक्शन का क्या है? मिनिमा है। x2 डालने पर अगर निगेटिव आ गया तो उस पे फंक्शन का क्या है? मैक्सिमा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं,
उससे तुमको थोड़ा सा ये इजी लगेगा, देखिएगा। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। हमको ये एक फंक्शन दिया गया, ठीक, इट इज y विच इज फंक्शन ऑफ x, सही है, x से मिलकर बना है, यही चीज हमने बताई थी y बराबर fx को। अब ये एक क्यूबिक फंक्शन है बेटा, कैसा फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है। इस फंक्शन को अगर हम ग्राफ को पूरा प्लॉट करें तो हम सब कुछ बता सकते हैं कि ये कहां मैक्सिमम है कहां मिनिमम है। प्लॉट करने का तरीका क्या है, x की वैल्यू जीरो डालो, जैसे ही x की वैल्यू जीरो रखेंगे बोलो वैल्यू कितनी आएगी, फोर, जीरो जीरो जीरो, यहां पे सिर्फ क्या बचा, फोर, तो वैल्यू आ गई, पॉइंट क्या आ गया, जीरो कॉमा फोर। ऐसे ही आप x की वैल्यू वन रखो, जब आप यहां वन रखोगे तो आएगा वन बाई थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो चार तीन सात दो नौ, और नौ में वन बाई थ्री और एड हो जाएगा तो 9.33 बनेगा, वो कुछ अगर वन देखें तो यहां कहीं पॉइंट आएगा। प्लॉट करना तो आता है ना, ऐसे ही तो प्लॉट करते हैं, वन रखो टू रखो थ्री रखो फोर रखो, ऐसे ऐसे पॉइंट रखते जाओ, पूरा ग्राफ बन जाएगा। अगर पूरा ग्राफ बन गया, फॉर एग्जाम्पल बनाने पे ग्राफ ऐसा आया, तो हमें पता है सर यहां मैक्सिमम है और यहां मिनिमम है, बोलो यार। अगर हम ग्राफ बना ले गए तो हम बता देंगे कहां मैक्सिमम है और कहां मिनिमम है, लेकिन क्या ये ग्राफ बनाना आसान है? इस ग्राफ को बनाने के लिए बोलो हमें बहुत सारे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर हमें उसमें और भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि ग्राफ ऐसा ही है या ऐसा ही है, हमें क्या पता। मान लो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर, अब तुमको कैसे पता कि ये ऐसे ही जा रहा है? हो सकता है तुम ऐसे बना दो, पर तुम तो यही सोचोगे ना इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने में तुम्हें क्या पता ऐसे ही बनेगा कि ऐसे ही बनेगा, उसके लिए ग्राफ की कॉन्वेक्सिटी और कॉनकेविटी देखनी पड़ती है, तो उतना हमको आता ही नहीं है, छोड़ो। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि सर ग्राफ का मेथड तो होता है लेकिन सर वो हमारे लिए बहुत कठिन है, तो वो हमको आता नहीं है, क्लियर। अब हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर हमसे कहा जाए, क्वेश्चन सुनिएगा क्या है, क्वेश्चन ये है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की आप हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बोलो पहला स्टेप क्या होता है, dy बाई dx निकाल के किसके बराबर करना है, जीरो के। इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगा, वन बाई थ्री किया बाहर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन बेटा कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। ये बड़ी आसान चीज है भाई, देखो टू बाहर किया, x स्क्वायर का कितना होगा, टू एक्स एक्स स्क्वायर का, और यहां पर थ्री बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, वन, और किसी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो, सो दैट विल बी जीरो। क्या इतनी बात समझ में आई है? इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बेटा थ्री से थ्री कटेगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। बोलो यही काम करना था हमको, डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर करना था। अब जैसे ही किया, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, मैं सॉल्व कर रहा हूं, स्प्लिटिंग करते ना ये, इसको हम लिखेंगे थ्री एक्स प्लस एक्स, यहां से कॉमन क्या आएगा एक्स, सो इट विल बिकम एक्स प्लस थ्री, यहां पर वन कॉमन आएगा, इट विल अगेन बिकम एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, सो दैट इज एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। कोई डाउट, एक्स की कितनी वैल्यूज आई, माइनस वन एंड एक्स बराबर माइनस, क्या ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स है, इन्हीं को हमने बोला था, क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कहने का क्या मतलब होता है कि इस माइनस वन पर मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, इस पर भी मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, तो हमको ये तो पता चल गया कि यही दो है खतरनाक पॉइंट, इसी पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है कि माइनस वन पर मैक्सिमा है या माइनस थ्री पर है। बोलो यार इतना पॉइंट समझ आए बेटा, तो ये हमने अभी क्या निकाला, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकाला। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे, क्योंकि हमें यहां अभी कंफर्म नहीं है, तो वी विल मूव ऑन टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं d2y by dx2, लेकिन इस बार जीरो के बराबर नहीं करना है, इस बार सिर्फ वैल्यू निकालनी है। बोलो एक बार डिफरेंशिएट किया था तो ये आया था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, जरा बताओ क्या आएगा बेटा, x स्क्वायर का 2x प्लस 4x का बोलो 1 और 3 का 0, पक्की बात है। तो जब डबल डेरिवेटिव निकाला तो ये आया, अब बोलो इसकी वैल्यू, इस d2y by dx2 की वैल्यू हम निकालेंगे किस पर, एक बार हम x की जगह क्या रखेंगे, रखो जरा, माइनस टू प्लस फोर यानी कि प्लस टू, सही है।
और एक बार हम क्या रखेंगे, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू की में हम x बराबर क्या रखेंगे, माइनस थ्री। जरा रखो यहां माइनस थ्री, माइनस सिक्स प्लस फोर, तो ये वैल्यू कितनी आई? पक्का वैल्यू रख लेंगे? रख करके बोलो, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आया था तो उसका क्या मतलब था? अगर पॉजिटिव आया था तो इसका मतलब यहां पर फंक्शन का क्या है, मिनिमा है, वो भी किस पर? इस पर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, x बराबर माइनस वन पर फंक्शन का हमें क्या मिलेगा? मिनिमा। पक्की बात? और अगर ये निगेटिव आया तो उल्टा होता है क्या, x बराबर माइनस थ्री पर फंक्शन का क्या है, मैक्सिमा है। सही है? अब अगर हमसे कहा गया कि हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ तो आसान है। अब हमें पता है माइनस वन पर मिनिमा है तो हम यहां माइनस वन रख देंगे। अगर हम आपसे कहें कि वाई मिनिमम बताइए, टेल मी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर माइनस वन रखो यहां पे, तो इट विल बिकम माइनस वन बाई थ्री प्लस टू। बताओ भाई, माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, यहां पे रखो माइनस थ्री प्लस फोर। सही है? ये वैल्यू कितनी आई, कितना आएगा ये? देखो चार है, चार में से चार दो हो गए छह, उसमें से गए तीन, सो ये बचा थ्री, थ्री माइनस वन बाई थ्री, कितना आएगा 8 बाई थ्री। और अगर मैं आपसे कहूं y की मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो इस बार हम क्या रखेंगे, माइनस थ्री रख लोगे यहां पर, तो माइनस थ्री को जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस नाइन प्लस, यहां पे माइनस थ्री रखेंगे तो बनेगा 18, यहां पे रखेंगे तो माइनस का 9 प्लस का 4। बताओ क्लियर है, कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन की बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, और मिनिमम कितनी है? तो क्या ये फंक्शन 8 बाई 3 का मतलब 2.6 के आसपास कुछ होगा, ठीक है? तो क्या ये फंक्शन 2.6 से लेकर 4 के बीच में ही है? बस, इससे नीचे और इससे ऊपर वो नहीं जा सकता फंक्शन। पक्की बात है? ठीक, देखो ये बेटा इट इज प्योर मैथमेटिक्स, ऐसा आपको मैथ्स में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। अब हम आते हैं फिजिक्स में। मेथड समझ में आया? तुमको अगर मैं कोई भी फंक्शन दूं तो क्या आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे? सेम मेथड यूज करके कर लेंगे। अब आई फिजिक्स की बात। देखो यार, मैथ्स में मैं करूं, देखिए हाँ, ये भला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सिंपल सा मतलब होता है, अगर डीवाई बाई डीएक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ बेटा जैसे इस रीजन में देखो, यहां पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालूंगा ना डीवाई बाई डीएक्स, तो वो 100% पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव। अब स्लोप का मतलब क्या है, जरा वो देखो, स्लोप का मतलब क्या होता है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल की कुछ तो वैल्यू होगी, तो टेन थीटा कुछ तो आएगा और पॉजिटिव ही आएगा, ये कंफर्म है हमको, क्योंकि एंगल कैसा है, एक्यूट, 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे में स्लोप पॉजिटिव आता है। तो यहां वाले इस रीजन में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। कैसा है? इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, इधर वाले रीजन पे देखो, यहां पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं आपसे स्लोप निकलवाऊंगा तो वो स्लोप 100% नेगेटिव आएगा, इसका मतलब यहां पर फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो dy by dx पॉजिटिव होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो dy by dx नेगेटिव होता है। लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फिजिक्स में कतई कहीं नहीं आएंगे, हमने बस बता दिया क्योंकि हम बता रहे थे, मैथ्स आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बता दिया, फिजिक्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट हम कभी यूज नहीं करेंगे पूरे फिजिक्स में। क्लियर है? ये आपको मैथ्स में ही काम में आएगा। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, फिजिक्स में जो काम आएगा, फिजिक्स में सिर्फ ये काम में आएगा बस, उधर वाला जो कि टफ आप लोग को लगता है ना, उधर वाला वो हमारे फिजिक्स में काम नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो अगर मैं कहूंगा फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप तुरंत उसको डिफरेंशिएट करके किसके बराबर करेंगे, जीरो के कर लेंगे। फिजिक्स में बस उतना ही चाहिए हमको, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। बाकी मेथड हमने आपको समझा दिया कि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे।